इन दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अनुराग रिविजन टेक में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे स्टैंडर्ड 350 बढ़िया है या क्लासिक 350 क्रोम एडिशन। मैंने कुछ समय पहले वीडियो बनाई थी कि कौन सी बुलेट सबसे अच्छी है, और उसमें मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड 350 और क्रोम एडिशन जो क्लासिक 350 का है वो बेटर है। अब यही क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कि स्टैंडर्ड 350 और क्लासिक 350 क्रोम एडिशन में से बताओ कौन सा बढ़िया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इन दोनों बाइकों में से, सॉरी मैंने बाइक कह दिया, दोनों बुलेट में से कौन सी बुलेट बढ़िया है और कौन सी आपको लेनी चाहिए। देखो, पहली नज़र में कोई भी देखेगा ना इन दोनों को, बुलेट को, मतलब स्टैंडर्ड 350 को और क्लासिक 350 क्रोम एडिशन दोनों को देखेगा, तो सबसे पहले एक ही बात कहेगा, हाँ दोनों का डिज़ाइन चेंज है। लेकिन कुछ चेंजेस और भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो दोनों एक ही बापू के बच्चे हैं, रॉयल इनफील्ड के ही दोनों बालक हैं, और बेसिकली दोनों का दिल भी एक ही है, इंजन भी सेम ही है लगभग। कुछ कुल मिला के जो चेंजेस हैं वो है, इनकी सिटिंग पोजीशन थोड़ी सी चेंज है, थोड़ा कंफर्टेबल है स्टैंडर्ड 350, टायर का साइज़ थोड़ा अलग है, फीचर्स क्लासिक 350 क्रोम एडिशन में ज़्यादा है, डिज़ाइन का फ़र्क नहीं है, वो क्रोम में है और वो सिंपल कलर में है, उसका ब्लैक कलर है, पुराना एक जो चलता आ रहा है वही कलर है जिसे हम बुलेट कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि बुलेट वही है एक्चुअली में, लेकिन क्रोम भी बहुत ही बढ़िया मुझे लगी थी, इसलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्रोम का जिक्र किया था कि वो भी एक बहुत बेहतरीन बुलेट है। अब उसमें आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है क्रोम में, ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है, ड्यूल डिस्क मिल जाते हैं, लेकिन आपको स्टैंडर्ड 350 में ना ही तो सेल्फ स्टार्ट मिलता है और सिंगल चैनल ABS सिंगल डिस्क मिलता है। ये हो गए एक ऐसे फीचर्स जो आपको दिखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि दोनों में से बेहतर कौन सी बाइक है। देखो भाई, एक बार बताओ, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, दोनों बाइकों का जो बजट है ना वो बहुत फ़र्क है दोनों में। अगर आपको स्टैंडर्ड 350 150,000 रुपये, 152,000-153,000 रुपये के आसपास की मिल जाती है ऑन रोड, तो आपको वहीं पर जो क्रोम वाली बाइक है ना वो मिलेगी भाई जाके 213,000 रुपये की, 215,000 रुपये की। तो जो उनका जो फ़र्क हो गया वो हो गया करीबन 60-65,000 रुपये का, ठीक है ना। तो ये एक तो बहुत मोटा फ़र्क हो गया। अब इस मोटे फ़र्क की वजह क्या है, इस मोटे फ़र्क की बहुत ज़्यादा बड़ी वजह है एक तो सेल्फ का आ जाना, टायर साइज़ का अलग आ जाना, और सबसे बड़ी वजह है इसके क्रोम का इस्तेमाल हो जाना। इसके अंदर क्रोम का इस्तेमाल भर भर के कर रखा क्लासिक 350 क्रोम एडिशन में, जबकि स्टैंडर्ड 350 एक वो ही पुरानी बुलेट है जो हम बचपन से देखते रहे, जब इतने से थे ना, मैं जब इतना सा था ना तब से देखता रहा। अब उसमें कोई भी चेंज ज़्यादा नहीं किया गया, सिर्फ उसमें अब आया वो भी सिंगल चैनल ABS का इस्तेमाल कर दिया, सिंगल चैनल डिस्क आ गया। अब पहले उसमें वो भी नहीं था, ठीक है ना, जब बाकी सारी बाइक वो की वो ही है, कोई उसमें फ़र्क नहीं कर रखा ज़्यादा। अब दोनों बाइकों में फ़र्क क्या है, देखो वो तो वही रूप है बुलेट का जो पहले से आता है स्टैंडर्ड 350, क्रोम एक यूनिक चीज़ दे दी हमें। जिस इंसान को एक यूनिक बुलेट चाहिए, खूबसूरत, और जो उसको रोज़ रगड़ सके, साफ़ कर सके, बेहतरीन करके, उसके लिए बढ़िया है वो क्लासिक 350 क्रोम एडिशन, उसके लिए बढ़िया है। मतलब कि उसको अच्छे से साफ़ कर सके, उसको मेंटेन रख सके। अगर मेंटेन नहीं रखेगा, शाइन नहीं कराएगा क्रोम को, तो वो फेड होता चला जाएगा, जबकि स्टैंडर्ड 350 में इतना ज़्यादा उसको साफ़ रखने की ज़रूरत नहीं है। साफ़ रखो भाई, लेकिन उसको इतना ज़्यादा मेंटेन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक यूनिक चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप जाइए क्लासिक 350 क्रोम के पास। अगर आपको चाहिए वही पुरानी बुलेट, वही पुरानी जो पहले से आती है, तो आप लीजिए स्टैंडर्ड 350। और अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें सेल्फ है या नहीं है, तो आप स्टैंडर्ड 350 ले सकते हैं। अगर आपको फ़ीचर्स कम चाहिए, सेल्फ नहीं चाहिए, और वही पुरानी बुलेट का मज़ा लेना है, तो आप लीजिए स्टैंडर्ड 350। लेकिन अगर आपको एक यूनिक चीज़ चाहिए, कुछ फ़ीचर्स चाहिए, सेल्फ वगैरह चाहिए, और बड़ी खूबसूरत सी एक चीज़ चाहिए, तो आप लीजिए क्लासिक 350 क्रोम एडिशन। और देखो भैया, एक और स्पेशल बात मैं बताऊँगा तुम्हें, जिस पे भाई पैसा ज़्यादा है, मतलब कि जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक चीज़ 1.5 लाख की है या 2 लाख की या 2.5 लाख की, तो वो भी क्रोम एडिशन ले सकता है, ठीक है ना। बाकी भैया, जो तुम्हें जो करना ना करोगे तुम, वही मुझे पता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आपको लगे कि सब्सक्राइब कर देना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी, बस इतना ही मैं आपसे कहूँगा कि अपना ध्यान रखें, कोरोना वायरस से सावधान रहें, बहुत बढ़ रहा भैया हमारे देश में, ध्यान रखें अपना, आसपास सफाई रखें। जय हिंद, टेक केयर।